अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट टेक। कैसे हो आप सब? होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक हो गए। तो आज मैं न्यू जो एडवांस सर्वर है उसमें आया हुआ हूँ। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि आपको नेक्स्ट आफ्टर अपडेट आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सब इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करना। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगे। तो आज की हम अपनी इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका जो इंटरफेस है वो इस तरह का नज़र आएगा। आप चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर पे आपको फ्रेंड्स वाला ऑप्शन वहाँ पे नज़र आएगा। पहले ये वाला ऑप्शन राइट साइड पे था, लेकिन अब ये वाला ऑप्शन उठा के उन्होंने टॉप कॉर्नर पे सेट कर दिया। तो इसका लेआउट भी थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, थोड़ा और यूनिक, थोड़ा और अच्छा कर दिया। पहले छोटा सा एक बॉक्स आता था फ्रेंड्स को ओपन करें तो, लेकिन अब पूरा एक न्यू पेज होता है। तो अब उसकी के नीचे जहाँ पे क्लासिक स्क्वाड वगैरह, जहाँ से हम अपना मोड सेलेक्ट करते हैं, उसके नीचे एक न्यू ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाए इनवाइट का ऑप्शन। जहाँ से आप डायरेक्ट सोलो में भी हैं तो वहाँ पर आके अगर आप इन्वाइट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने सारे फ्रेंड्स वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप अपने सारे फ्रेंड्स को, गिल्डमेट्स वाले फ्रेंड्स को, जो आपके फेसबुक पर फ्रेंड हैं या आपने वैसे फ्री फायर में गेम में फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, उनको इन्वाइट कर सकते हैं डायरेक्ट। वहाँ से आपको सोलो स्क्वाड करने की ज़रूरत नहीं है। एक और नई चीज़ जहाँ पे आपको अपने टीममेट्स का आईडी, जो कोई भी आपको स्क्वाड की अपनी आईडी होगी, अपने स्क्वाड का एक आपका आईडी होगा, आप उसको इंटर करके डायरेक्ट अपने स्क्वाड में इंस्टेंटली जा सकते हैं। मतलब अगर आपका स्क्वाड ऑनलाइन है तो आप उसको डायरेक्ट, आप उसका वो वाला कोड डालेंगे तो आप डायरेक्ट अपने स्क्वाड में चले जाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप अपने स्क्वाड वगैरह करते हैं तो डायरेक्ट आपका जो पहले ऑप्शन आता था लेफ्ट साइड पे, वो थोड़ा सा छोटा आता था, और इस दफ़ा थोड़ा इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा के उसको थोड़ा सा और यूनिक लुक दी है। जैसा कि आप यहाँ पे साथ साथ देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका यूनिक लुक आ रही है, मतलब थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा था। तो आगे अब आपको मैं और दिखा देता हूँ। तो हम अगर डिस्कवरीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे नीचे गिल के नीचे ऑप्शन होता है डिस्कवरीज़ का, तो वहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेटरी मैप और दूसरा हमारा जो बरमूडा मैप है, उन दोनों की ही डिस्कवरीज़ है। यहाँ पे कलहारी मैप नहीं है, जैसे पहले था वैसे सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फ्री फायर ने कलहारी मैप जो है न्यू, उसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बरमूडा पे वही आपने डिस्कवरीज़ वगैरह करनी है। ये तो आपको पहले से पता होगा, जैसे आप उनको डिस्कवरीज़ वगैरह करते हैं तो रिवार्ड मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सेम ही है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं मोड्स के ऊपर कि कौन कौन से मोड हैं आफ्टर अपडेट के, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे मोड्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लासिक में मोड्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रैंक्ड गेम मिलेगी। उसके बाद वहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे देखिए आपको बरमूडा नज़र आएगा, कलहारी क्लासिक कलहारी नज़र आएगा, फिर बम स्क्वाड नज़र आएगा और गन किंग नज़र आएगा। ये चार जो मोड हैं ये बिल्कुल न्यू मोड, मतलब जो बम स्क्वाड और गन किंग मोड है ये बिल्कुल न्यू है दोनों। कलहारी मैप भी बिल्कुल न्यू है, फुल मैप आ चुका है। पहले जो हमें 7 दिन का ट्रायल दिया था वो बिल्कुल एक छोटा सा उसका पार्ट था, वो भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर आप फुल मैप भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप अगर उस मैप को देखेंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त मैप है। मैं उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इतना ज़बरदस्त मैप बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा मैप बनाया। गोल्ड रॉयल बंडल न्यू जो आएगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपका है डायमंड रॉयल, सॉरी, ये जो आपका डायमंड रॉयल का बंडल है, ये वाला डायमंड रॉयल का बंडल न्यू आने वाला है फ्री फायर में। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी जो हमारे पास गोल्ड रॉयल के बंडल है या दूसरा बंडल है वो बिल्कुल सेम ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। गोल्ड रॉयल का बंडल वही वाला बंडल है जो अभी तक चल रहा है, वही है उसके, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम रहता है तो कुछ टाइम बाद अपडेट के बाद वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद वेपन रॉयल में भी वही फार्मर्स जो अभी आई हुई है वही फार्मर्स आपको देखने को मिलेगी, और इनक्यूबेटर में भी आपको वही इनक्यूबेटर जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे करेक्टर रॉयल है तो वो भी बिल्कुल सेम ही है उसमें जैसे पहले था। और इसके अलावा जो एक और न्यू चीज़ आपको देखने को मिल रही है आफ्टर अपडेट, जैसे ही अपडेट आएगी तो उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलेगी, तो न्यू करेक्टर जो है वो फ्री फायर वालों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो बहुत ही गजब का करेक्टर है, बहुत मतलब यूनिक, मुझे काफ़ी अच्छा लगे, उसकी एबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका जो नाम है
इसका नाम है स्टेफी। स्टेफी हमारा न्यू करेक्टर है, ये फीमेल करेक्टर है। इस करेक्टर को आप 400 डायमंड में, 399 डायमंड में परचेज कर सकेंगे। और अगर टॉप अप इवेंट में पहले तो आएगा, आपको टॉप अप करना होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी एबिलिटी के बारे में बात करें तो, जैसा कि आप सबके सामने यहाँ पे ये ग्रेफिटी कह रही है, तो ये ऐसे अगर आप इसकी एबिलिटी यूज़ करेंगे तो जैसे एलॉक आप यूज़ करते हैं करेक्टर, तो एलॉक की जैसे गोल रिंग होती है, सेम ये भी वैसे ही रिंग बनाएगी। उस रिंग के अंदर होगा ये कि आपका जो डैमेज है वो एक्सप्लोसिव से, अगर डैमेज बम वगैरह से डैमेज कोई कर रहा है आपको, तो वो 15% तक डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर कोई आपको बुलेट्स वगैरह, तो वो 5% तक डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके यहाँ पे इस करेक्टर के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको कलहारी मैप का मैं गेम प्ले दिखा देता हूँ कि कलहारी मैप जो हमारे पास है उसमें क्या क्या चीज़ें। अगर लॉबी की बात सबसे पहले कर लेते हैं तो हमारी जो न्यू लॉबी है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी लॉबी है, आपको लॉबी देखने में ही मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छी लॉबी बनाई है फ्री फायर ने न्यू। यहाँ पे देखे लॉबी आपको देखने को मिल रही है, और उसके अलावा यहाँ पे एक न्यू चीज़ आपको जो देखने को मिल रही है, आप अपनी गन से जो फायर वगैरह कर, से जो छोटे छोटे हर्ट्स वगैरह निकल रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा इम्पेक्ट है। और आपकी जो लॉबी है वो बहुत बड़ी हो गई है पहले से। और यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह क्रैश, एरोप्लेन और गाड़ियाँ वगैरह जिनको आग लगी हुई है, डिस्ट्रक्शन सी दिखाई हुई है। तो यहाँ पे हम अपनी जो वीडियो है उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो कलहारी मैप में जैसे ही आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा मैप है, न्यू मैप है। प्रोग्रेटरी मैप भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये प्रोग्रेटरी मैप से भी मुझे लग रहा है कि बड़ा मैप है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लैंडिंग कर लेते हैं, तो लैंडिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं साइड एरिया में मैं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस मैप को, इस मैप के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखे ये आपको सबसे पहले जो ज़बरदस्त मुझे लग रहा है, यहाँ पे देखे लेक, एक छोटी सी आपको लेक नज़र आएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एनिमेशन वगैरह बहुत अच्छा फिट डाला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डेजर्ट का लुक दिया है, फुल डेजर्ट का लुक लग रहा है। तो आप गेम का मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे अगर रैंक में कलहारी मैप आएगा तो आप सबको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो ये है कि आपको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे छिपने की बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पे एनिमीज आप पे जब अटैक करेंगे, अगर आप खुले में हैं तो आपको एकदम से मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो फायर कहाँ से आपको लग रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त एनिमेशन वगैरह, यहाँ पे लेक और ब्रिज वगैरह, ये छोटा ही सी एक, बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है और कितना बड़ा लग रहा है। बरमूडा मैप तो इसके सामने बिल्कुल छोटा सा था। आपने अगर पहले ट्रायल देखा था, 7 दिन का जो ट्रायल आया था, तो वो काफ़ी, वो भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, बरमूडा जितना हम उसे कह रहे थे। लेकिन अब जो पूरा मैप आ चुका है, अब मैंने इसको पूरा तो एक्सप्लोर अभी तक मैंने खुद नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बस दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह, मतलब ज़बरदस्त इन्होंने एडिटिंग वगैरह मैप ज़बरदस्त बनाया। तो अगर आपको वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आप आगे चेक कर लें सारा, मैं इसको अपना जो वॉइस नोट है इसको ऑफ कर रहा हूँ, तो आपको खुद एक्सप्लोर में थोड़ा बहुत जो कर रहा हूँ आप वो देख लें। तो नेक्स्ट की इसी के ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो जो न्यू मोड्स वगैरह उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
just like